कंडीशन पर सीट वैकेंट होगा, सिर्फ चार कंडीशन पर। क्लियर? पहला कंडीशन ये हो गया कि मैं यहाँ 6 मंथ के लिए आई हूँ और मेरा टाइम पीरियड अप, ठीक है, खत्म हो गया, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म, टाइम पीरियड अप। क्लियर है? दूसरा कंडीशन ये हो गया कि अगर मैं ऊपर ही चली जाऊं, ठीक है, दैट मीन्स डेथ। क्लियर? क्या मेरा सीट वैकेंट हो गया? ऑटोमेटिक वैकेंट हो गया। क्लियर? तीसरा कंडीशन कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही और आप मुझे रिमूव करेंगे, हटाएंगे, ठीक है, कि मीतू मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही है, हम सब मिलकर मेजोरिटी में इनको हटाने जा रहे हैं। क्लियर? दैट इज वर्ड क्या यूज होगा? रिमूव करना। चौथा कंडीशन होगा कि मुझे आप लोग पसंद नहीं और मैं यहाँ से रेजिग्नेशन दूंगी। समझ गए? तो चार कंडीशन पर आपका सीट वैकेंट होता है। पहला आपका टाइम खत्म हो जाए, दूसरा बंदा डेथ कर जाए, तीसरा उसे रिमूव कर दिया जाए और चौथा वो रेजिग्नेशन दे दे। क्लियर? किसी के लिए भी यही चार कंडीशन होता है। समझ गए आप यहाँ पर? तो बोलेगा प्रेसिडेंट का सीट किस किस कंडीशन पर वैकेंट होगा, तो कंडीशन क्या क्या होगा? रिमूवल को राउंड करो, रिमूवल को राउंड करें और इंपीचमेंट को राउंड कीजिए, महाभियोग। रिमूवल को राउंड करके इंपीचमेंट को राउंड कीजिए, महाभियोग। अब आपसे पूछेगा प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रिमूवल या इंपीचमेंट? इंपीचमेंट। ध्यान रखना, महाभियोग शब्द राष्ट्रपति को हटाने के लिए इंपीचमेंट वर्ड यूज होता है प्रेसिडेंट के लिए। क्लियर है? समझ गए यहाँ पर? कई बार ये लिखकर आता है कि सुप्रीम कोर्ट और